करें हबीब सपेरा, और मेरे गांव में ये एक कोबरा सांप निकला है, इसको हम लाए हैं यहाँ पे छोड़ने के लिए। ये मेरे हाथ में है, इसको डिब्बे में बंद करके लाया हूँ, और आज का दिन पकड़ा हूँ। काफ़ी काफ़ी गुस्ताल है, और हम इसको छोड़ते हैं। ये जो पौधा है, इस पौधे में हम छोड़ते हैं कि इस जंगल में आराम से रहेगा, इसको कोई खतरे का डर नहीं रहेगा, और तो बिंदास अपना नींद का सुकून मिलेगा। तो आइए हम खोल के दिखाते हैं इसको, कितना जहरीला है। ये निकल चाहिए, इसने भागना चालू कर दिया। ये बहुत गुस्साहा सांप है ये, और इतना विशाल है ये सोच रहा है कि मेरे को छोड़ दे, मैं भी भाग जाऊं। बाकी कितना लोग देखते हैं सांप गोजर तो सब मार देते हैं, बाकी सांप को भी मारना नहीं चाहिए, इसका भी एक जान है। जिस तरह से इंसान का जान होता है, इसी तरह इन लोग का भी जान होता है। इंसान को इतना ध्यान रखना चाहिए कि जो खेत में पकड़ता हो उसको मैं बुला दूँ पकड़ने के लिए, कम से कम सांप का भी तो जान बच जाएगा और सांप को भी तकलीफ नहीं होगा। हम लोग इसको पकड़ के बचाते हैं, और कुछ लोग होते हैं घमंडी दास होते हैं, तो उन लोग तुरंत मारना चालू कर देते हैं। बाकी जो जंतुओं को मारना नहीं चाहिए, इंसान को इतना सोचना चाहिए कि भाई मेरा उसका भी जान है, उसको भी जीने का हक है। तो चलिए हम इसको पकड़ के तो ला दिए हैं, और इतना गुस्साल है ये, देखिए किस तरह से छलांग लगा रहा है। और मैं यही बोलूँगा सबसे भाई कि किसी का घर में निकले सांप मारे ना, मारने से क्या होता है कि बेचारा संख्या कम हो जाता है जानवरों का, और जो जितना हवा में वायरस हुआ, जहर हुआ, ऑक्सीजन में जितना आता है, सब इन्हीं लोग से रहने से इंसान सुरक्षित रहता है। इन लोग का ये होता है कि जितना हवा में जहर आता है, ऑक्सीजन में जहर आता है, इन लोग वही जहर पीते हैं, और वही पी करके इस हवा का जहर निकाल लेते हैं, और इसीलिए इन लोग ये धरती पे भी इन लोग का भी भेजा गया है, इंसान के भी लिए सही रहेगा और जानवरों के भी लिए सही रहेगा। बाकी इंसान समझते नहीं हैं, मारना चालू कर देते हैं। और एक बात और बता रहा हूँ कि हाँ, सांप सोचता है कि इंसान से ना भेंट हो, और इंसान सोचता है कि सांप से ना भेंट हो। तो देखिए इसको लगा है चोट इस जगह पे काफ़ी ठीक हो गया है, इसको अब कोई डर नहीं है। इसको बहुत बुरी तरह से यहाँ पे लगा था, पूरा कट गया इस तरह का हिस्सा। और कितने लोग मदारी वाले आते हैं, इन लोग का दांत वो तोड़ देते हैं, दांत तोड़ के खेला दिखाते हैं। दांत भी नहीं तोड़ना चाहिए इंसान को, कोई भी हो, मदारी वाला हो और कोई भी हो, जो दांत तोड़ा हुआ जानवर को लेके आता है उसको तुरंत खदेड़ देना चाहिए सारे लोग का, मजारी लोग को। सांप का मेन स्थिति है कि इसके जबान में और मुंह में या दांत नहीं रहेगा तो ये अपना भोजन नहीं कर पाएगा, और भोजन नहीं कर पाएगा, और इन लोग का भोजन करने का मकसद ये होता है कि वो जो सांप होते हैं अपना आगे का जहर मारते हैं, और जिस जानवर को पकड़ते हैं उसको तुरंत जहर मार देते हैं। जहर मारने से ये होता है कि वो तुरंत शांत हो जाता है, और इन लोग का लीले में खाने में आसान हो जाता है। तो इस तरह से ये इन लोग अपना भोजन पानी करते रहते हैं। और कितना लोग बोलते हैं कि दूध पीता है या पानी पीता है, सांप ना दूध पीता है ना पानी पीता है, सिर्फ मांसाहारी है, और मांसाहारी को दूध पानी का जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, छोड़ देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। इधर आइए, हम दिखाते हैं अभी इसको किस जगह पे हम छोड़ेंगे, और इसका ध्यान का भी।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे आप लोग बने रहिएगा और हम लाते रहेंगे ऐसे ऐसे वीडियो।